हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारे स्टूडेंट जो फार्मेसी के एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, बी फार्मेसी के एडमिशन कब चालू होगी, इंजीनियरिंग का चालू हो गया, हमारा कब चालू होगा, तो फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है और बी फार्मेसी के एडमिशन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। कैसे होंगे सब हम बताते हैं। सबसे पहले आप mycity.org सर्च करते हो, पहले लिंक पर क्लिक करोगे, इस तरह से ये पेज क्रिएट होगा। ओके, फिर ये पेज क्रिएट होने के बाद, जैसे कि इंजीनियरिंग में पहले न्यू ब्लिंक हो रहा था, बी फार्मेसी का न्यू ब्लिंक हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे आप जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। ये है आपका पेज जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, और एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो गया, पासवर्ड क्रिएट हो गया, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके लॉग इन करके कभी भी लॉगआउट लॉग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी शेड्यूल जान लेते हैं। तो ये है आपका शेड्यूल 7 अगस्त से। ओके, 7 अगस्त से चालू हो चुका है बेसिकली, सर कल रात के टाइम पे ही चालू है बेसिकली, किसी को बहुत कम स्टूडेंट को मालूम है। तो बेसिकली आज से आप समझ सकते हो कि आज से आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। कब तक? 14 अगस्त तक पैरेलल में एक और प्रोसेस करना है। क्या करना रहता है आपको? पूरा फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आप पूरा डिटेल डालोगे, आपके सीटी का डिटेल, नीट दिया है तो नीट का डिटेल, सीटी में पीसीएम पीसीबी दोनों का डिटेल डाल पाओगे। ओके, सिर्फ पीसीबी दिया है, सिर्फ पीसीबी का भी डिटेल आप डाल पाओगे। उसके साथ साथ आपका ओपन है कि कास्ट है, कैटेगरी है, क्या है, फिर आपके बेसिक पूरा डिटेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर का नाम, बराबर। फिर अगर आपका कोई कास्ट है तो कास्ट के डिटेल्स, कास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, वैलिडिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो पूरा जो है आपको अपडेट करना, अगर आपने समझ लो अपडेट करने के लिए डाला है। ओके, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग बनाने को डालते हैं तो रिसिप्ट मिलता है, ओरिजिनल नहीं मिलता, तो आप रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज ओरिजिनल है तो ओरिजिनल अपलोड कर सकते हो। ओके, जो भी कास्ट वाले हैं, एससी एसटी को सिर्फ कास्ट और वैलिडिटी लगता है, बाकी ओबीसी, ओके, इस साल से एससी बीसी भी आया हुआ है। ओके, और वीजे NT1 NT2 NT3, जिसे एनटी एबीसीडी भी कहा जाता है। ओके, तो वो सबका जो बेसिकली है नॉन क्रीमी लेयर, वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, तीनों लगता है। ये तीनों आपका होना चाहिए, एटलीस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी तो अगर रिसिप्ट रहेगा तो आप यूज कर सक पाओगे। और थर्ड लिस्ट तक, जब थर्ड राउंड जब तक रहेगा तब तक आप ओरिजिनल सबमिट कर सकते हो कॉलेज में। ओके, तो प्रोसेस क्या होता है, आपको ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन। आपके नियर बाय में अगर एससी सेंटर है तो फिजिकल वेरिफिकेशन सिलेक्ट करें, जाइए फटाफट अपॉइंटमेंट लीजिए, एक घंटे में या एक दिन में काम हो जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डिले हो जाता है, 4-5 दिन वो लोग ले लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। इंजीनियर के साथ, इंजीनियरिंग एडमिशन के साथ बहुत खराब एक्सपीरियंस है बच्चों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन में। ओके, तो ये तो 14 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो, 16 अगस्त तक आप वेरिफिकेशन करा सकते हो, 15 तारीख को गवर्नमेंट हॉलीडे है, सारे कॉलेजेस बंद रहेंगे। ओके, बट मैं ये कहता हूँ कि उतना वेट ही क्यों करना है, बराबर। आज आपने वीडियो देखा, समझ सब कुछ समझ में आया, धीरे धीरे फॉर्म फिलिंग चालू करो, आज या कल में फॉर्म भर दो और परसों में जाके कॉलेज का वेरिफिकेशन करा लो। कॉलेज का वेरिफिकेशन मतलब आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ पर अपलोड करोगे, आपको डोमिसाइल, ओके, डोमिसाइल नहीं है तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज एलसी में प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र मेंशन किया हुआ होना चाहिए, तीनों में से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो। कास्ट रहेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कास्ट के डॉक्यूमेंट्स, ओके, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करके ये सारी चीज़ों को ओरिजिनल विथ एक या दो सेट ऑफ जेरोक्स आपको लेके जाना पड़ता है एससी सेंटर में, और वहाँ पर वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई देखो मैंने जो अपलोड किया है ये सब ओरिजिनल है मेरे पास। ओके, और उसके बाद ये सब होने के बाद वेरीफाई करा लोगे, वेरीफिकेशन करने के बाद आपको बेसिकली क्या होता है, देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा 19 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा। उसमें क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट ने वेरीफाई करा है उनका बेसिकली नाम आता है, उनका रैंकिंग आता है, ऑल इंडिया रैंकिंग आता है, ओके, उनके मेरिट नंबर दिखते हैं, स्टेट मेरिट नंबर, ओके, मतलब हाँ। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रीवियंस आएगा, समझ लो अभी किसी ने डॉक्यूमेंट बनाने को डाला, डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, बराबर, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप क्या करोगे, एज अ ओपन आप फॉर्म भर दो, किसी ने डोमिसाइल बनाने को डाला है बट डोमिसाइल नहीं बना है, ओके, तो एज अ OMS आप फॉर्म भर दो और बाद में 20 से 22 के बीच में आप चेंजेस कर पाओगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया तो। बट रजिस्ट्रेशन आपको जैसे आपको हमने बताया कि 14 के पहले ही करना है और 24 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको बताया कि आगे के कैप राउंड्स कैसे कैसे होने वाले हैं। फिलहाल अभी इंजीनियरिंग के कैप राउंड्स चालू हो रहे हैं, 9 तारीख से फॉर्म भरना होगा, 9, 10, 11 कैप राउंड 1 का, मतलब प्रोविजन जो पूरा कॉलेज होता है, कॉलेज का लिस्ट डालना पड़ता है। ओके, तो फिलहाल फार्मेसी का आराम आराम से चल रहा है। दूसरी बात जो सर बोल रहे हो कि फिजिकल वेरिफिकेशन, तो एससी सेंटर कहाँ पर है, तो ये है आपके एससी सेंटर का लिस्ट, बहुत सिंपल है, आपके होम पेज में लेफ्ट साइड में मैंने क्लिक किया तो एससी सेंटर का लिस्ट आया, तो ये एससी सेंटर का पूरा लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके नियर बाय में कौन सा लिस्ट नंबर है, उसमें फोन नंबर भी दिया है, कॉल भी कर सकते हैं आप, कुछ पूछना रहेगा तो। वेरस आपका ये एससी सेंटर का लिस्ट है, नियर बाय जो भी एससी सेंटर है वहाँ पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो।
फिर मैं आपके जो लॉगिन आपका जो ये होता है बेसिकली फॉर्म फिलिंग उसका भी मैं एक मैनुअल दिखा देता हूँ आपको। तो ये यूजर मैनुअल हम लोगों ने निकाला, कहाँ से निकाला आपको दिखा कि नहीं, ओके ये पूरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर रहता है यूजर मैनुअल, इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म कैसे भरना है उसका पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। तो एससी सेंटर या सिटी सेल आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा डिटेल वाइज दिया हुआ है, ये इस तरह से पूरा भरना है। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे, ओके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा आपने सिटी दिया है क्या, सिटी दिया, एप्लीकेशन नंबर डालिए, रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, चेक सिटी डिटेल करिए, फिर आपका पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली आएगा, होप्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ओके। फिर सिटी आपने दिया है क्या, नीट आपने दिया है क्या, जो जो दिया है वो यस करके उसका डिटेल डालना रहेगा। आप NRI वगैरह है तो नो, अगर हो तो यस, ये सब पूछना है, नो करके आगे क्वालिफाई एग्जाम HSC में जैसा रूल है अपने को 45% का याद रखना है, वो यहाँ पर 12th का मार्कशीट में जैसा है पहला सरनेम फिर नाम फिर फादर नेम वैसा ही लिखना है। फिर फादर नेम में सिर्फ फादर नेम, सरनेम नहीं डालना होता है, मदर नेम में सिर्फ मदर नेम, सरनेम नहीं डालना होता है। आपका जो भी जेंडर है, आपका जेंडर पूछा है यहाँ पर, मदर और फादर का नहीं पूछा है, उनको पता है कि फादर का जेंडर क्या होगा और मदर का जेंडर क्या होगा, बहुत लोग ऐसा इंजीनियरिंग में बहुत डाउट कर रहे थे बराबर। तो यहाँ पर आपका जेंडर पूछा है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्लिक करना होता है, फिर यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन होता है उसमें ईयर सिलेक्ट करने का, मंथ सिलेक्ट करने का, फिर डेट सिलेक्ट करने का, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। फिर आपका जो भी रिलीजन है, ओके आपका एनुअल फैमिली इनकम क्या है, तो जो भी EWS वाले होंगे, TWS वाले होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो देख के लिखे, बाकी ओपन वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका रहेगा। मदर टंग, ओके मदर टंग जो भी रहेगा वो आप डाल सकते हैं, नेशनलिटी इंडिया। फिर आपका एड्रेस पे कुछ आने वाला नहीं है, ओके जिस सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है, तो कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो, ओके नंबर ईमेल आईडी प्रॉपर डालो क्योंकि वहाँ पर OTP वगैरह आएंगे, वेरीफाई होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। फिर आप पासवर्ड रख सकते हो कुछ भी, सब मैंने रख दिया कैपिटल AMIT अमित 123@ जो भी रखना है ऐसा रख सकते हैं, बट वो लिख के रख लेना है, सेव होना चाहिए। फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डालोगे वेरीफाई कर लोगे। फिर यहाँ पर आगे आपका एप्लीकेशन आईडी इंजीनियरिंग का EN से स्टार्ट होता है, फार्मेसी का PH से स्टार्ट होगा, इसका फोटो लेके रख लेना है आपका जो भी आएगा, ओके वही एप्लीकेशन आईडी यूज कर करके बार बार आप लॉगिन करोगे और पासवर्ड जो आपने डाला था वो पासवर्ड, ओके तो फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे या तो वापस से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखिए वापस लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन आईडी डालें, पासवर्ड डालें, यहाँ जो कैप्चा है वो डाल के साइन इन किया, साइन इन करने का तो पहले पूछेगा भाई ई स्कूट नहीं करना है, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है या फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। जो भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट है आपके नियर बाय में SC सेंटर 20-30-40 किलोमीटर में, तो फिजिकल वाला सिलेक्ट करो, जाओ वहाँ पर अपॉइंटमेंट लो और करके आओ, क्योंकि ऑनलाइन में 5-6 दिन लग जाता है, ओके बहुत ज़्यादा डिले कर दे लोग। जो बाहर के स्टूडेंट है, महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट है, महाराष्ट्र में एडमिशन ले रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 9 स्टेप होते हैं, ये 9 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया था बेसिक डिटेल डालना, दूसरा कैंडिडेट का टाइप क्या है वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे, होम यूनिवर्सिटी स्पेशल रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन डिटेल नीट का डिटेल अगर डाला देगा तो, फिर सारे आपके इमेज और साइन अपलोड करने होंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और पे फीस। अभी देखो कैसे, जिसने भी CT का एग्जाम दिया उसको फीस पे नहीं करना होगा, ओके जिसने नहीं दिया है और फिर अभी एप्लीकेशन भर रहे हैं उनको खाली भरना रहेगा। और SC सेंटर से कंफर्मेशन वो कौन, ये लास्ट वाला स्टेप कौन करता है, लास्ट स्टेप वो करते हैं SC सेंटर वाले। फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाओगे तो वो लोग करेंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन जाएंगे तो ऑनलाइन वाले करेंगे, ओके। तो कैंडिडेट टाइप बहुत सिंपल है, अगर आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो टाइप ए आएगा, ओके 10th-12th भी यहाँ पर किया हुआ होना चाहिए, 10th-12th यहाँ पर किया हुआ है वो कंडीशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपका अगर खुद का डोमिसाइल है टाइप ए, बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का टाइप ए, या तो LC पे लिखा होना चाहिए प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का टाइप ए। फॉर एग्जांपल आपने महाराष्ट्र से 10th-12th नहीं किया, या 10th-12th नहीं किया ऐसा कुछ तो है, तो आप टाइप बी में आओगे, वहाँ पर फिर आपका डोमिसाइल होना ही चाहिए, ओके तो आप किसका डोमिसाइल डाल सकते हो, पापा का, मम्मी का या खुद का, तीनों में से किसी एक का डाल पाओगे टाइप बी में। टाइप सी टाइप डी अदर टाइप्स के लिए होता है वो रहने दो, OMS वाले जितने रहेंगे वो OMS सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो भी है ये सब तो आपका रहेगा नहीं बेसिकली महाराष्ट्र का स्टूडेंट का, यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने बोला आपके पास डोमिसाइल सिलेक्ट करो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करो, 10th कहाँ से किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो आपके स्कूल के कॉलेज के स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर 12th के स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने डिप्लोमा किया तो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका कौन सा है, उससे डिसाइड होता है कि आपका होम यूनिवर्सिटी क्या होगा। तो जैसे मुंबई होम यूनिवर्सिटी हो गया। फिर यहाँ पर आपने कैटेगरी, आप कैटेगरी कौन सा है, ओपन है कि SC है कि ST है, VJ NT है क्या, SC BC है क्या है, वो डालो। फैमिली इनकम जो है पहले डाला था वो ऑटो फैच हो जाएगा। आप EWS में अप्लाई करना चाहते हो क्या, EWS के अप्लाई करने के लिए EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं चलेगा, महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट के फॉर्मेट में। तहसील ऑफिस से बनवा रहे हो तो बोल के बनवाओ कि भाई महाराष्ट्र फॉर्मेट में ही चाहिए, सेंट्रल का नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर कास्ट है, अभी ओपन वाले कोई भी कास्ट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके कास्ट वाले जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है EWS का आपके पास है कि नहीं है। अब EWS में अप्लाई करो तो सर्टिफिकेट होना चाहिए,
नहीं रहेगा अप्लाई करके मतलब क्या है, रिसीप्ट अभी फिलहाल अपलोड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब कॉलेज में अलॉटमेंट होगा तब आपके पास फिजिकल होना चाहिए वरना एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो है तभी येस करो अदरवाइज नो करो। जो जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा लास्ट में, ओके। ये पीडब्ल्यूडी डिफेंस वाला जिसका रहेगा स्पेशल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी रहेगा तो डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए डिफेंस 1, 2, 3 एक्स सर्विस मैन रहेंगे पेरेंट वगैरह एयरफोर्स नेवी आर्मी में तो यहाँ पर डाल सकते हैं, बट सर्टिफिकेट होना चाहिए हर चीज़ के लिए, सिर्फ डालने से नहीं होगा। टीएफडब्ल्यूएस के लिए एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए आपके फैमिली इनकम का, और वो कहाँ से बना हुआ चाहिए, तहसील ऑफिस से 8 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट आयता दाखिला है तो यहाँ पर टीएफडब्ल्यूएस में येस करो, नहीं है तो नो करो। येस कर रहे हो तो उस सर्टिफिकेट में जो इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वही डालना है, अदरवाइज कुछ नहीं डालना है, मतलब कुछ भी डाल सकते हो आप, सर्टिफिकेट में जो रहेगा वही डालना रहता है बेसिकली, और टीएफडब्ल्यूएस में नो डालोगे तो कुछ भी डालो कोई मतलब नहीं है, ऑर्फन रहेगा तो येस अदरवाइज नो। माइनॉरिटी, अगर आपका मदर टंग हिंदी है एलसी पे लिखा हुआ है तो आप हिंदी माइनॉरिटी डाल सकते हो, अगर आपका गुजराती है और आप गुजराती माइनॉरिटी है तो गुजराती माइनॉरिटी डाल सकते हो, ऐसे रिलीजन में जैन है या मुस्लिम है तो वो माइनॉरिटी डाल सकते हो, तो अगर वो माइनॉरिटी के कोई कॉलेज होंगे तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है तो उसके हिसाब से, बट हाँ अगेन आपके एलसी पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए, ओके। एलसी में क्या मेंशन है वो देखना पड़ता है। टेंथ का बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई आईसीएसई जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो, उसका पासिंग ईयर सीट नंबर डालो, फिर उसके जो भी है स्कोर डालने पड़ेंगे आपको, ओके स्कोर मैनुअली सब टाइप करो। ट्वेल्थ का जो अगर करंट ईयर अभी रहेगा तो ट्वेल्थ का ऑटो फैच हो जाता है, बट टेंथ का बाकी सिर्फ डिटेल का डालना पड़ता है, ओके। एक सब डिटेल डाल के एग्रीगेट मतलब टोटल डाल के आप आगे बढ़ोगे, डिप्लोमा वालों के डिप्लोमा दिया है तो वो डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे, जिसने नीट दिया है येस करोगे तो नीट का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, अपडेटेड वाला स्कोर डेटा यहाँ पर फैच होगा, ओके। और नीट का स्कोर कार्ड आपको प्रिंटआउट लेना है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। फोटो और साइन, आपको फोटो अपलोड करना रहेगा, जो फोटो सेम फोटो भी अपलोड कर सकते हो, डिफरेंट फोटो भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। साइन, ओके साइन भी अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर सब कुछ कि भाई क्या होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पर जैसे मैंने बोला जो जो आप करोगे उसका पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है, ओके। जैसे कि नेशनलिटी में आप क्या कर सकते हो, आपके डोमिसाइल में लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, तो वो डोमिसाइल में भी चलेगा नेशनलिटी में भी चलेगा, अदरवाइज आपके एलसी में नेशनलिटी इंडियन लिखा रहेगा तो एलसी भी आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर डोमिसाइल में अगर प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है एलसी में तो वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑर्फन रहेगा तो ऑर्फन, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से पूरा पीडीएफ डालना पड़ेगा, टेंथ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का मार्कशीट, ओके। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का मतलब वही होता है मार्कशीट, ओके आपके मार्कशीट, स्कोर कार्ड ऑफ एमएसटीसीटी जो प्रिंटेड पीडीएफ आता है वही अपलोड कर सकते हैं। 7 प्रोसीड करोगे या 800 रुपया नील आएगा, क्योंकि आपने सिटी में फॉर्म जब भरा था तब पैसे भरे थे ना, तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 भी रुपया नहीं आएगा। जो बाहर के कैंडिडेट महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका आएगा, तो फिर लास्ट में आप प्रिंट करोगे, प्रिंट करके पूरा चेक कर लेना है कि मैंने जो डिटेल डाला है सब करेक्ट तो है, कुछ गलती तो नहीं है, ओके। और इस तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एससी सेंटर में जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 2 सेट जेरोक्स लेके जाओगे और वहाँ पर वेरीफाई करा लोगे। इस तरह से आपका पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब ऑप्शन फॉर्म भरने के डेट्स आएंगे तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा। तो ये जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, ये प्रोसीजर कब तक करना है आपको, 14 तारीख तक फॉर्म फिलिंग कर लेना है और 15 तो छुट्टी है, 16 तारीख का आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। बट उतना वेट मत करो, मैं बोल रहा हूँ अभी 2-3 दिन के अंदर करा लो, क्योंकि स्टार्टिंग में ना एससी सेंटर फ्री रहता है पूरा, वेबसाइट भी उतना हैंग नहीं होता है, लास्ट डेज में वेबसाइट भी हैंग होने लगता है, एससी सेंटर पे भी भीड़ बहुत रहती है, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस मुझे बताना था, मैंने बता दिया है, ओके। ये पूरा जो पूरा है शेड्यूल है, ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, फिर चेंजेस करा के फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपने यहाँ पर हाँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद ग्रीवियंस में चेंजेस करने का रूल मैं बता देता हूँ, अगर आपने अभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिलेक्ट किया तो आपको ग्रीवियंस भी ऑनलाइन डालना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन वेरीफाई होगा। अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है तो ग्रीवियंस में आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो फिजिकल सेंटर में जाके करना पड़ता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकल सेंटर में जाके करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन बींग बैठे रहते हैं और हम जो बोलेंगे वो समझते हैं और हमारी हेल्प करते, सपोर्ट करते, ओके। वेरेज ऑनलाइन में डिले बहुत ज़्यादा होता है, बराबर, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट रिमार्क आ जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, भले वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जेपीजी में जो आपने अपलोड किया है वो प्रॉपरली शायद उनको दिख नहीं रहा होगा, बट आपको आप एक्सप्लेन किसको करोगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। फिजिकल वेरिफिकेशन इसीलिए बेस्ट होता है। तो सारे चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से बता दी है, ये पूरा आपका होम पेज है, ओके, ये होम पेज है। और जो है यहीं पर फिलहाल नीचे अगर आप देखोगे कट ऑफ वगैरह देखना चाहते हो तो 23-24 का यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का एमएच वाला क्लिक करना होता है। एमएच वाला क्लिक करके आप यहाँ पर ये पीडीएफ आपके मोबाइल में या डिवाइस में हो जाएगा, फिर आप कंट्रोल एफ दबा के
कॉलेज का नाम जो भी है, ओरिएंटल कॉलेज हो गया या बॉम्बे कॉलेज फार्मेसी हो गया या जो भी कॉलेज आप डालना चाहते हो डाल के उसका कट ऑफ देख सकते हो। जी फॉर जनरल एसटी मतलब एसटी का कास्ट होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, ओके। कोई हाँ कोई कॉलेज का मैं दिखाना चाहूँगा आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये कॉलेज है ओके, यहाँ पर ये आपका कट ऑफ होगा ओपन वाला होगा 85.42 परसेंटाइल वीए वीजे कैटेगरी का, 78.99 परसेंटाइल ये ओबीसी कैटेगरी का। एचयू जैसा मैंने आपको बताया था, मुंबई में रहते हो मुंबई में देख रहे हो तो एचयू का कट ऑफ देखना है बराबर, मतलब मुंबई के से 12 दिया रहेगा। तो अगर आपने मुंबई से 12 दिया, पुणे का आप देख रहे हो तो ओएचयू का कट ऑफ देखना है आपको, ओके। टीडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पर रहता है, ये ब्रैकेट में जो है परसेंटाइल कट ऑफ है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होता है, लॉगिन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरना है, एससी सेंटर का लिस्ट क्या होता है ओके, और कट ऑफ कैसे चेक करते हैं, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी गाइस। होप सो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा आपको ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो कोई डेली अपडेट्स के लिए ओके। और जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह है वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, हम ट्राई करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एडमिशंस।